एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी करने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की भी चर्चाएं बहुत तेज है। बताया जा रहा है कि केवल सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसमें अजय माकन, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र सिंह हुडा शामिल हैं। 3 सदस्यों वाली कमेटी गठबंधन को लेकर बातचीत करेगी और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बातचीत को सुपरवाइज करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 9 सीटों की डिमांड कर रही है तो कांग्रेस पार्टी मैक्सिमम 7 सीटें देने पर ही राजी है। कांग्रेस ने 5 से 7 सीटों का प्रपोजल रखा है और सीटों पर डील फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा के बीच में 3rd राउंड की बैठक हो सकती है। आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है, जैसे निश्चित होगा आपको बता दें। समाजवादी पार्टी से भी बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी आपसे अलायंस पार्टनर में कई लोगों से बात होती है, कहते हैं उसकी है, जो इच्छा व्यक्त करते हैं, मगर कॉन्क्रीट डिसीजन जो कुछ भी होगा समय आने पर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी को कंसिडर कर रहे हैं आप? हमारे नेशनल अलायंस पार्टनर कोई भी मौके पे कोई भी समय पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई आपके लाइक माइंडेड कोई साथी मिलते हैं और उसमें एक सर्वस्वीकृत कुछ सम्मति बनती है तो जरूर से उसका फायदा उठाना चाहिए। उसमें क्या आता है? हरियाणा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी गठबंधन करने जा रही है या नहीं, इस बारे में जब आम आदमी पार्टी संजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है, साथ ही जल्द गठबंधन होने के संकेत भी दिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय। विजयलक्ष्मी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, आपने कल भी ये जानकारी दी थी कि कई राउंड की बातचीत पहले ही 2 राउंड की हो चुकी है लेकिन अभी सीटों पर कोई फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। कहां पीच फंसा हुआ है और कितने सीटों पर ये गठबंधन हो सकता है? विजयलक्ष्मी, जितनी हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की डिमांड 9 सीट की है लेकिन कांग्रेस पार्टी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7, इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जल्दी ये गठबंधन होगा ऐसा आसार तो दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। संजय सिंह के बयान से ये साफ है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब करीब तय है लेकिन सीट को लेकर दबाव की राजनीति हो रही है। हरियाणा से आने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का, उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो सकते। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो जो बात कहेंगे कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, परंतु मेरे से मेरी हाईकमांड जब पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा। अभी जो चर्चा हो रही है कि मतलब 4-5 सीटें अगर दी जाए आम आदमी पार्टी को तो क्या इतनी सीटों पर आप? मैं अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पर बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही बातचीत पर चुटकी ली।
पार्टी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो साझेदार की तलाश में है। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हांक रहे थे कि हमारे पास इतनी इतनी एप्लीकेशन आई है, अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे, और बाहर की सपोर्ट वो ही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलत भैया मारेंगे।